ये खूबसूरत वृक्ष सैमल का, जो फूलों से लदा हुआ बिल्कुल रेड कलर के बहुत सारे पुष्प इस पर लगे हुए हैं, ये सैमल का वृक्ष हमारे लिए औषधि के लिए, यानी हम सभी के लिए औषधि में बहुत ही उपयुक्त होता है। बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज़ होता है। तो मैं आज आपको इस सैमल के बारे में बताऊंगा कि ये सुंदर जंगल में खड़ा हुआ एकांत में ये वृक्ष अपनी खूबसूरती की छटा बखेरे हुए यहाँ पर खड़ा हुआ है, और इस पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं इसके नेक्टर को लेने के लिए, इसके जूस को लेने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर वृक्ष जिसे आप देख सकते हैं, आज आपको एक औषधीय पौधे से अवगत कराऊंगा, एक मेडिसिनल प्लांट जिसकी वैल्यू हम लोग नकार देते हैं, हम लोग जिसके बारे में सभी नहीं जानते, और जानते भी तो उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, सैमल का वृक्ष है, इसे कॉटन सिल्क ट्री भी कहते हैं। इस समय क्योंकि बसंत ऋतु है, तो इस समय बहुत सारे फ्लावर्स इस पर आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स से लदा हुआ है। ये रेड कलर के बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बर्ड की तरह बहुत सारे फ्लावर्स से घिरा हुआ। कि ये वृक्ष कितना यूज़फुल है हम सब के लिए, ये जीवनदायी वृक्ष हैं। ये वृक्ष जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहीं नहीं सारी दुनिया में, अगर जीवन संभव है तो वो केवल वृक्षों की वजह से है। बिना वृक्षों के जीवन संभव नहीं हो सकता, इनके बिना आप जीवन के बारे में सोच नहीं सकते। हाँ, कुछ बैक्टीरिया वायरस को छोड़ करके तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन के लिए और प्राणियों के लिए ये वृक्ष बहुत ही जीवनदायी होते हैं। तो यहाँ पर मैं सैमल के वृक्ष के बारे में बताऊँगा। ये जो सैमल का वृक्ष है जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर वृक्ष जिस पर फूलों से, लाल फूलों से गुच्छों के रूप में लदा हुआ है, और इसमें पत्तियां हरी कम दिख रही हैं, वो वोरल्स में हैं ये पत्तियां। तो आप देखें ये वोरल्स में है पत्तियां, ये पत्तियां वोरल्स में होती हैं, यानी चक्र में होती हैं पत्तियां, हरी हैं, कम पत्तियां इसमें, लेकिन सीड्स अभी तो नहीं बने हैं। और यहाँ पर ये फ्लावर्स हैं बहुत सारे, ये फ्लावर देख रहे हैं आप, ये फ्लावर धीरे धीरे, ये देखिए फ्लावर्स बहुत सारे, ये वृक्ष हैं। इस समय ही फ्लावर्स होते हैं इसमें, उसके बाद फिर नहीं होते। फिर इस पर, इसमें बहुत सारे कॉटन सिल्क से बनेंगे, इसे कॉटन सिल्क ट्री भी कहते हैं। तो ये जो सैमल का वृक्ष है, इसका लैटिन नेम यानी इसका बॉटनिकल नेम बॉम्बैक्स सीवा है, और इंग्लिश नेम इसका सीमल ट्री भी कहते हैं। इसे कॉटन सिल्क ट्री भी कहा जाता है, गुजराती में इसे सिमालो कहा जाता है, मराठी में इसे सालमली सोबर कहा जाता है, तेलुगु में ब्रूमा गुरुआ कहा जाता है, और संस्कृत में इसे सालमली या सलमली भी कहते हैं। और इसकी एक पहचान है सबसे अच्छी, कि इस वृक्ष पर आप देखेंगे कि, मैं आपको करीब से दिखाऊंगा, तो इस पर ये कांटे हैं। इसकी छाल जो होती है, यानी इसकी लकड़ी पर, इसकी बूड पर ये कांटे होते हैं। आप देखें करीब से, ये कांटे हैं, काफ़ी मोटे मोटे कांटे होते हैं। ये कांटे देख रहे होंगे आप, इस तरह के ये कांटे हैं। ये कांटे बहुत सख्त होते हैं, इसकी बूड पर, लकड़ी पर ये बहुत सारे कांटे आपको दिखाई देंगे। ये फूल होते हैं जो इस तरह के होते हैं, ये जो फूल हैं इसके इस तरह के, ये हैं इसके फ्लावर। ये बाहर ये कैलेक्स होता है, ये करोला, और इसमें बहुत सारे पंखेसर यानी मेल, इसमें बहुत सारे पंखेसर हैं यानी मेल पार्ट होते हैं, इसमें फीमेल गाइनोशियम होता है। तो ये इसका है फ्लावर की स्ट्रक्चर, कैलेक्स हैं, करोला हैं, एंथर्स हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे देखिए एंथर्स हैं इसमें, ये एंथर्स हैं, और अंदर इसमें एक गाइनोशियम है बीच में, ये गाइनोशियम पार्ट है इसका, ये रहा, ये गाइनोशियम है इसका, ये गाइनोशियम पार्ट है इसका।
कैलेक्स करोला और ये एंथर्स और गैनोशियम, इस तरह से इस पर फूल है बहुत सारे ये। अब मैं बताऊंगा आपको इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट और मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी, यानी ये दवाइयों के रूप में कैसे काम आता है। तो दवाइयों के रूप में इसके लिए स्वप्न दोष के लिए बहुत ही रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है, यानी स्वप्न दोष के लिए सैमल का वृक्ष बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए आप क्या करें, इसके फूलों के पिछला भाग, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये फूलों का ये पिछला भाग है, ये फूल का ये है, ये फूल है और ये इसका ये फ्लावर है, यानी फ्लावर इसके पीछे पिछला भाग है, कैलेक्स रीजन है। ये ड्राई हो जाए तो और अच्छा है, जैसे ये ड्राई है, ये इसमें कुछ ड्राई भी है, ये ड्राई ले लें, ये पिछला भाग लें, ये इसका कम 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम ही मिश्री लें, करीब करीब सतावल ले लें 100 ग्राम ही, बिदारी कंद ले लें 100 ग्राम, अश्वगंधा भी 100 ग्राम लें और सभी को पीस कर पाउडर बना लें। पीस कर अगर पाउडर बनाते हैं फिर उसको सुबह शाम 6 से 7 ग्राम दूध से लें तो स्वप्न दोष की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आप स्वप्न दोष यानी सीमेल फॉल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। खून का साफ करने में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, यानी ब्लड प्योरिफिकेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें होता क्या है, इसकी पत्तियों को लें, जैसे पत्तियाँ हरी ऊपर दिख रही हैं आपको, इसकी पत्तियों को लें, उसे पीस लें पत्तियों को, और पीस कर पत्तियों को फिर उसका पेस्ट बना लें और उसमें पानी मिलाकर छान लें और उसे पिएं। एक गिलास रोज़ पीने से बिल्कुल ब्लड एकदम प्योरीफाई हो जाएगा और कील मुहासे और स्किन की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां, वो समाप्त हो जाएंगी। और ये है लीकोरिया की प्रॉब्लम में, अगर लीकोरिया है तो लीकोरिया की प्रॉब्लम में क्या करें, सैमल जो ट्री है इसकी छाल लें, सैमल की रूट पाउडर लें या तो या छाल लें। अब मैं यहाँ रूट है, यहाँ पर रूट नहीं है इसकी, और ये यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत गहराई में है तो यहाँ रूट नहीं दिखाई दे रही है, इसका रूट ले लें, इसका पाउडर बनाया 3 ग्राम कम से कम लें। यानी जिन माता बहनों को लीकोरिया की प्रॉब्लम होती है, और लीकोरिया की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा होती है, वाइट डिस्चार्ज भी बोला जाता है जैसे, तो इसमें 3 ग्राम का सैंबल रूट का इसकी जड़ का पाउडर लें और 3 ग्राम में अश्वगंधा ले लें और फिर उसको 6 से 7 दिन 5-5 ग्राम की आप 5-5 ग्राम की मात्रा में 5-6 दिन करीब करीब 2 टाइम लें, 2 टाइम में ही लीकोरिया समाप्त हो जाएगा, लीकोरिया से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और एक है हैवी पीरियड में, एक सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इसका अनुभवी प्रयोग है कि जिनके बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड होता है, इतना पीरियड कि ब्लडिंग रुकती ही नहीं है, बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ और भी दवाइयाँ खा चुके होते हैं अगर तो इससे सही नहीं होते। माता बहनों में कभी कभी हैवी पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मेस्ट्रोसाइकिल यानी MC के दौरान, माहवारी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, खून बहुत ज़्यादा बहता है, तो उससे राहत के लिए रामबाण है इलाज है इसका। इसके लिए इसका क्या करें, इसकी जड़ लें, जड़ 10 ग्राम ले लें, और नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लें, सपोज़ करो 50 ग्राम इसकी जड़ है, इसकी 50 ग्राम जड़ ले लें, 25 ग्राम मुलैठी ले लें और 15 ग्राम गेरू यानी स्वर्ण गेरू ले लें, सभी को मिक्स करें, मिक्स करके फिर इसका पाउडर बनाएं और करीब करीब 7 से 8 ग्राम 2 टाइम दूध या पानी से लें तो लिकोरिया से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यानी ये पौधा ऐसा है, यानी ये पौधे की ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपको लिकोरिया से ही नहीं बहुत सारे रोगों से मुक्त कर सकता है। मुहासों की समस्या से बहुत सारे फोड़े फुंसी, त्वचा पर बहुत सारे निशान, जलने के निशान और भी बन जाते हैं, लोग गरिष्ट भोजन खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत सारी बैंडर्स की चीज़ें खाते रहते हैं, मार्केट में खुली जगहों से चीज़ें लेकर के खाते रहते हैं,
तो उससे भी बहुत सारी त्वचा की बीमारी हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं। तो इससे निजात पाने के लिए आपको करना क्या है, इसके तने की कांटों की छाल लेकर, इसका जो तना है, इसकी ये आप देख रहे हैं और ये कांटे हैं, ये कांटे देख रहे हैं आप, कांटे की ये छाल है, ये इसके नीचे से ये ले लें, ये छाल ले लें इसकी, कांटे की ये कांटा है जैसे, इसकी छाल ले लें आप, ये कांटे की छाल लेकर के और उसे गाय के दूध में पेस्ट बना दें, पेस्ट बनाएं और उसे जहाँ पर कील मुहासे हैं यानी चेहरे पर या कहीं त्वचा पर भी हैं, थोड़े फुंसियाँ हैं तो वहाँ पर अप्लाई करें यानी वहाँ पर लगाएं। तो आपको थोड़े फुंसी से और त्वचा पर, आपको फोड़े फुंसी से त्वचा पर जो भी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं आपको निजात मिल जाएगी। कमजोरी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और रामबाण उपयोग है इसका। इसके लिए क्या करें, लोगों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कमजोरी होती है, तो कमजोरी के लिए क्या करें, कमजोरी के लिए इसके फूलों का, ये फूल है जो ये फूल, इसके फूलों का पाउडर लें 50 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम लें और कौंच बीज 50 ग्राम लें, सफ़ेद मुसली 20 ग्राम लें, सतावर 25 ग्राम और इन सभी का पाउडर बनाएं और 10-10 ग्राम सुबह शाम लें, एक महीने लेने से, दूध से लें, हमेशा के लिए कमज़ोरी से मुक्त हो जाओगे आप, यानी कमज़ोरी नहीं रहेगी और फिर डाइट लेते रहें तो कमज़ोरी आएगी ही नहीं। अब मूत्र रोग में, मूत्र रोग होते हैं बहुत सारे, यूरिनरी डिसऑर्डर होते हैं, यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें ये बहुत ही अच्छा है, रामबाण इलाज है इसका, यानी ये रामबाण की तरह काम करता है। तो इसके लिए सेमल की छाल 20 ग्राम ले लें, इसकी छाल ले लें 20 ग्राम, फिर पलाश के फूल लें 10 ग्राम और हल्दी लें उसमें 10 ग्राम और तीनों का पाउडर बना करके फिर इसको क्वाथ बनाएं, क्वाथ बना करके 400 ml पानी में रखें और 400 पानी को जब उबालें इसे डालकर सभी को, तो फिर आप देखेंगे कि जब 100 ml बच जाए तो उसे पिएं 2 टाइम, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है उससे हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। सर्दी जुकाम खांसी जिनको बहुत ज़्यादा बना रहता है, बार बार होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रामबाण इलाज है इसका। ये वृक्ष बहुत ही लाभदायक है, तो इसकी रूट पाउडर लें, यानी इसकी जड़ का जो है उसे पाउडर बना लें, जड़ ले लें इसकी, जड़ नहीं है तो इसके फ्लावर भी ले सकते हैं आप, अदरक लें, अगर पाउडर मान लीजिए 50 ग्राम लिया है, अदरक आप 50 ग्राम ले लें, काली मिर्च 20 ग्राम लें, दालचीनी 20 ग्राम लें, पीपल करीब करीब 10 ग्राम ले लें, लौंग भी 20 ग्राम लें और इन सभी का पाउडर बना लें और 4-5 ग्राम 200 ml पानी में डालें और 100 ml बच जाए उसे छानकर पिएं, या पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन क्वाथ बनाकर अगर पीते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा और सर्दी जुकाम खांसी से हमेशा आपको निजात मिल जाएगी। धातु रोगों में ये रामबाण है, धातु जो रोग होते हैं, धातु रोगों से बहुत लोग परेशान होते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, ये बहुत ही रामबाण इलाज है उसके लिए, धातु रोगों के इलाज में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि ये इतना लाभकारी है, इतना उपयोगी है, इससे धातु रोग हमेशा के लिए सही हो जाएगा। इसका रूट पाउडर सपोज करो, इसका जो पाउडर है रूट पाउडर ले लें, और नहीं तो ये कैलेक्स रीजन होता है, ये जो आप देखेंगे इसके पीछे का ये जो कैलेक्स रीजन है, ये वाला, ये कैलेक्स रीजन, ये ले लें, यानी फूल के पीछे का ये कैप जैसा जिसे कैलेक्स बोलते हैं, ये ले सकते हैं, 5 ग्राम ले लें, अश्वगंधा 4-5 ग्राम लें, बिदारी कंद 4-5 ही ग्राम ले लें, अर्जुन की छाल 5 ग्राम और इन सभी को पीस कर पाउडर बना लें, पाउडर बना करके फिर इसको 10-10 ग्राम सुबह शाम दूध से लें, धातु रोगों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब आता है एक रक्तपित्त, रक्तपित्त देखा होगा आपने कि रक्तपित्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, रक्तपित्त में क्या है, इसका फ्लावर लें, इसके फ्लावर हैं यानी इसके फूल लें और उसका पाउडर बना लें और शहद से उसे चाटें, अगर शहद से इसके फूलों के पाउडर को चाटेंगे तो आपको रक्तपित्त में तुरंत ही लाभ मिल जाएगा और वो आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। रक्त बमन में यानी ब्लड वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग होती है किसी को
यानी कि उल्टियाँ होती हैं जिसमें खून की उल्टियाँ जिसको हो जाती हैं। तो खून की उल्टियाँ अगर किसी को होती हैं तो इसके लिए क्या करें आप, मोचरस यानी इसकी गोंद लें। इस पर इसमें गोंद नहीं है इसमें, क्योंकि ये वृक्ष में अगर इसको थोड़ा सा खरोंच जाता तो वृक्ष आ जाता, इसमें इसमें गोंद नहीं है। तो इसका गोंद ले लें, यहाँ से ये गोंद लें, कम से कम 3 से 4 ग्राम गोंद लें, और 2 ग्राम लाख का चूर्ण मार्केट में मिल जाता है, पंसारी की दुकान में मिल जाएगा आपको, लाख का चूर्ण लें, मिश्री लें 4 ग्राम, और इन सबको मिक्स करके 6 से 7 ग्राम 2 टाइम लें। ब्लड वोमिटिंग हो रही होंगी, खून की उल्टियाँ जो हो रही होंगी वो हमेशा के लिए सही हो जाएंगी। जिसके चेचक के दाग हो जाते हैं, कभी गड्ढे से हो जाते हैं, त्वचा पर बहुत सारे गड्ढे उभर आते हैं, तो क्या करें, इसके कांटों की जड़ के नीचे की जो खाल होती है, यानी कांट ये है आपका, ये देख रहे हैं, ये देखिए कांटा है, और इसके साइड में ये छाल होती है, इसको ले लें आप, या कांटा ही ले लें ऊपर पूरा का। तो कांटों का उभरा हुआ जो भाग होता है उसको घिस कर, यानी छाल को घिस करके इसका पेस्ट बना लें और इसे अप्लाई करें, तो आप देखेंगे कि इसके जो आपने पेस्ट बनाया है उस पेस्ट से बहुत सारे रोग, यानी आपका चेचक का जो रोग है वो, जो गड्ढे बनाए हैं चेचक के रोग ने, वो सारे गड्ढे और आपके बहुत सारे जो दाग बनाए रखे हैं चेचक ने, वो समाप्त हो जाएंगे। सूजन में, शरीर में कहीं सूजन आती है तो क्या करें, तो सूजन के लिए इसकी जो पत्तियां हैं आप देख रहे हैं, ये पत्तियां कम हैं यहाँ पर, ये पत्तियाँ हो रही इसमें, इन पत्तियों को लें और इसका पेस्ट बना लें, ये पत्तियां लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे आप, ये पत्तियां लें और इसका पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना करके सूजन की जगह पर लगाएंगे, सूजन पटक जाएगी। अब किडनी स्टोन में, जो किडनी का स्टोन होता है, यानी किडनी जो होती है हमारी, यानी गुर्दे की जो पथरी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है लोगों को, कभी कभी निकलती नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसकी छाल लें, छाल को दूध के साथ पिए, इसकी छाल ले लें काफ़ी, और काट करके दूध के साथ पिए। अगर जैसे ही आप दूध के साथ पिएंगे इसे 2 टाइम पिए, कम से कम 10 ग्राम छाल आप एक बार में ले सकते हैं, और 10 ग्राम छाल लेकर के दूध ले लें 1 कप या 1 गिलास और इसे पिए, तो आपको बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी स्टोन से। स्टोन पता भी नहीं पड़ेगा कि स्टोन कब निकल गया, यानी कि पथरी गुर्दे कब निकल गई आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ब्रेस्ट मिल्क, माता बहनाओं के डिलीवरी की होने के बाद दूध नहीं बन पाता है बच्चों के लिए, यानी दूध नहीं बनता है, तो उस समय दूध बनाने के लिए, यानी कि बच्चों के लिए, प्यारे बेबी के लिए दूध नहीं होता है तो भूखे रहेंगे भाई, तो उनके दूध बनाने के लिए आपको करना क्या है, उस समय डिलीवरी के बाद अक्सर दूध में कमी आती है, दूध नहीं बनना होता है, तो औरतों में उस समय दूध नहीं बनना हो तो सेमल की इसकी जड़ ले लें, इसमें जड़ तो नहीं है मैं दिखाऊं, तो इसकी जड़ आप लेंगे जैसे ही, तो जड़ की जो छाल होती है उसे ले लें और उसे उसका ड्राई पाउडर बना लें, 10 ग्राम करीब करीब ले लें, और 10 ग्राम ही सतावर लें, सतावर और ये बराबर मात्रा में लें, और उसका 10-10 ग्राम पाउडर, फिर वो 15 दिन तक 10-10 ग्राम पाउडर 2 टाइम दूध से लेंगे तो दूध बनने लगेगा, और बच्चों भी और छोटे छोटे बेबी आपके भूखे नहीं तड़पेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे और रोएंगे भी नहीं। रक्त प्रदर के लिए एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एमसी के दौरान बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, कभी बहुत ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो ये एबनॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है, मेट्रोरेजिया भी कहते हैं इसको, यानी कि मेट्रोरेजिया जो प्रॉब्लम होती है, जिसे कहते हैं हम रक्त प्रदर, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है वोमन में, पीरियड के बीच में होती है, बीच में भी हो सकती है एमसी के, तो उसमें क्या करें, तो इसका गोंद लें, यानी मोचरस लें, इसका मोचरस यानी इसका गोंद ले लें, 2-3 से 4 ग्राम ले लें, रसौंद लें 5 ग्राम, रात को पानी में भिगोएं, सुबह मसल कर पानी को छान कर फिर पी जाएं। यानी औरतों में होने वाला जो रक्त प्रदर है उससे आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फ्रेंड, प्रमेह में, प्रमोह का मतलब है ये गोनोरिया जो होते हैं, ये यौन संचारित बीमारी होती है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित यानी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे हम कहते हैं, ये नीसेरिया गोनोरिया जिसे कहते हैं, गोनोरिया नीसेरिया एक बैक्टीरिया होता है, ये एक दूसरे से हो भी जाती है, जिनके
ज़्यादा पार्टनर होते हैं उनसे भी हो सकती है ट्रांसमिटेड। तो वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होता रहता है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। तो ये जो है गोनोरिया है, यौन संचारित बीमारी है, ये सेमल का वृक्ष उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए उसकी उनकी पत्तियां लें और पानी में मिक्स करके इसका शरबत सा बनाएं, या उसका आप क्वाथ भी बना सकते हैं, और इसे पीने के बाद आप देखेंगे कि रक्त प्रदर से और प्रमेह से गोनोरिया से सभी से बहुत सारी बीमारियों में ये वृक्ष आपको हमेशा के लिए मुक्ति दिला देगा। आप देखेंगे कि ये वृक्ष इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। तो मेरा कहने का सेंस है, यानी मैं कहना चाहूँगा कि ये वृक्ष इतना सुंदर, मनमोहक और बहुत सारे रोगों से मनुष्य को मुक्त करने वाला, इसलिए आओ इन वृक्षों को लगाएं, इनको सहेजो और इनको हमेशा पृथ्वी पर पानी से भरपूर कर दो, खाद पानी दो, ताकि ये हमेशा हमें जीवन देते रहें, हमें खुश करते रहें। क्योंकि ये वृक्ष ही हैं जो हमें हमेशा खुश रखना चाहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के हमें सब कुछ देते हैं। लेकिन एक मनुष्य ही है जो बहुत ही स्वार्थी होता है, जो अपने स्वार्थ के लिए इन वृक्षों की कटाई करता है, सब कुछ करता है और फिर अंत में इनको जला भी देता है। और लेकिन ये वृक्ष हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं, असंख्य वृक्ष इस दुनिया में हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ आपको खुश रखे। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा वृक्षों का ध्यान रखें, वृक्षों को लगाएं, वृक्ष और अपने जीवन में इन्हें पार्ट बना दें। बिना इनके आपका जीवन संभव नहीं है। धन्यवाद।